हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभांगिनी इंस्पिरेशन। सो अभी ऑलरेडी 2 बज चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं कोलकाता को कवर करने। मतलब मेरा एक न्यू सीरीज आने वाला है बहुत ही जल्दी, तो उसका शूट के लिए अभी हम जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। फिलहाल हम लोग सदन आ गया है, रविंद्र सदन। तो हम लोग जाने वाला है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्मी है कि पता नहीं कैसे जाए, बट चलो फिलहाल चलते हैं। और ठीक है, चलिए चलते हैं विक्टोरिया को एक्सप्लोर करने। लेट्स गो। सो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं नंदन। ये रविंद्र सदन में ही है। बहुत ही सुंदर एक सिनेमा हॉल है, बहुत ही इसका एम्बियंस बहुत सुंदर है। ये बंगाली लोग उसके लिए एक इमोशन है। इधर कोई भी मूवी जो चल रहा है ऑब्वियसली आप देख सकते हैं बहुत ही चीप रेट में, बहुत चीप 100-100 रुपये में इधर टिकट मिल जाती है और बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, आप देख सकते हो। नंदन के अंदर थोड़ा घूमी, फोटो खींचा, फिर उधर से निकल गया भागते भागते। बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी क्योंकि पूरा ओपन एरिया है ना, बहुत धूप हो रहा था इसलिए। तो हम लोग निकल के टूवर्ड्स जा रहे थे विक्टोरिया, तो उसके बगल में मतलब नंदन के बगल में ही है एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। इधर डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग्स का एग्जीबिशन होता है, बहुत ही सुंदर जगह है ये। कुछ नहीं मालूम है, और मेरा बात भी नहीं सुनता है, बिल्कुल नहीं बात सुनता है ये। चलाई जा रही हूँ। कितना चलना पड़ेगा, आज पहुँचेंगे कि नहीं। तो ये है कोलकाता का सबसे ऊंचा बिल्डिंग 42। उसके बगल में है ये बिरला प्लानिटोरियम, कभी और दूसरे वीडियो में आपको दिखाएंगे। फिर उधर से चलते चलते आगे हम लोग विक्टोरिया आके सोच रहे थे कैसे घुसे, इतना ज़्यादा गर्मी है, सच में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो फिर फाइनली हम लोग घुस गए अंदर। उसके अंदर बहुत ही प्यारा एक म्यूज़ियम है, उसका वीडियो हम लोग दूसरे ब्लॉग पे देंगे क्योंकि वो मेरा कोलकाता सीरीज में आने वाला है। तो उसका ठीक ऑपोजिट में आपको मिलेगा इतना प्यारा प्यारा घोड़ा गाड़ीस। तो इसमें बहुत ज़्यादा शूटिंग वूटिंग बहुत कुछ हो चुका है, तो अगर आप लोग कोलकाता आए और इसको राइड नहीं किया तो कुछ नहीं किया। रैपिडो कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, और मैं भैया को कॉन्स्टेंटली कह रहा था जल्दी चलिए भैया जल्दी चलिए, मेरा सनसेट मिस हो जाएगा। अब कुछ भी करिए, मुझे सनसेट के पहले उधर फुल मार्केट पहुँचा दीजिए क्योंकि मल्लिक घर से बहुत ही सुंदर है, एक व्यू आता है, तो इसलिए। तो ये है फेमस एस्प्लैनेड, इसका वीडियो भी आएगा मेरा सीरीज़ में, सब कुछ मैं कवर करने वाली हूँ एक एक करके। तो मैं फाइनली आ चुकी हूँ हावड़ा, बट मैं खो चुकी हूँ, हम दोनों अलग हो चुके हैं क्योंकि दोनों को दो डायरेक्शन में उतारा है। तो सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है, प्लीज़ आप लोग को पता ही है मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है। तो
ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, कितना ज़्यादा भीड़ है। और इतना क्यूट क्यूट फ्लावर्स मिलता है। मैंने आते ही तो दो बंच ऑफ फ्लावर खरीद लिया उधर, उसके बाद भी बहुत कुछ खरीदा, मैं दिखाऊंगी। देखो मैं बार्गेनिंग कर रहा था, नहीं भैया दे दो, इतना सारा दो बंच लाइक ऑलमोस्ट 100 फ्लावर्स था उधर, सिर्फ मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ में मिला था। और ये है सनफ्लावर्स, मैं वो भी खरीदा। तो फिर अंदर घुसा, ये कहते हैं इसको कि एशिया का लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट है ये। और सच में आप चल चल के थक जाओगे, बट ये फ्लावर मार्केट ख़त्म नहीं होता है और सब कुछ मिलता है, सब कुछ, सब कुछ, लिटरली सब कुछ मिलता है। और इतना चीप रेट में मिलता है, जब भी मैं उधर जाती हूँ मैं पागल हो जाती हूँ, पागल की तरह फूल खरीदना शुरू कर देती हूँ। बट सच में बहुत ही प्यारा है, बट थोड़ा स्लीपरी है क्योंकि उधर फूल वूल गिरा रहता है, मैं दो दो बार गिरते गिरते बच गई। और ये हमारा ब्लॉगर शायद लाइक मैं इसको इतना परेशान कर रहा था कि मुझे फ्लावर खरीद दे, फ्लावर खरीद दे, वो भाग रहा था मेरे से। ठीक है, मैं इसको बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ, हम बेस्ट फ्रेंड है किस लिए, इसलिए है ना, परेशान कर सकते। फिर फाइनली हम लोग टूवर्ड्स मल्लिकार्जुन जा रहे थे, तो उधर भी देखा कितना सारा फूल है, मुझे फिर से खरीदने का मन हो रहा था। तो मैं उसको बोल रहा था लास्ट एक कुछ खरीद लेते हैं फिर नहीं खरीदे। फिर मैं आ गया सनफ्लावर के पास, क्योंकि मैं सनफ्लावर में मरती हूँ, तो इसलिए मैं आ गई सनफ्लावर लेने और उधर भावतल करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं फिलहाल आ चुकी हूँ मल्लिक घाट में, बट मैंने सनसेट मिस कर दिया। मेरे साथ तो पोपट होना ही है ना, पोपट होता ही, हमेशा पोपट होता है, और हो गया, मैंने सनसेट मिस कर दिया। बट उसने देखा, उसने बहुत अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा शॉट लिया है, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं उसको लेके आया था, उसने देखा तो मैं खुश। तो फिर आके मल्लिक घाट में दोनों ही थोड़ा शांत होके कुछ देर बैठे, थोड़ा मतलब इतना थक गए थे कि थोड़ा बैठ के उधर का व्यूज एंजॉय कर रहे थे। इतना प्यारा कामिंग एक व्यू है ना, आप लोग सच में उधर जाते ही मन शांति हो जाता है, कुछ नहीं लगता, लाइक सिर्फ बैठे रहो उधर आपका मन शांति हो जाएगा। शाम हो रहा है, लाइट भी थोड़ा ऑफ हो गया, लेकिन अंधेरा टाइप हो गया, तो ये बेचारा थोड़ा मूड ऑफ हो गया है, इसका कैमरा में बहुत ज़्यादा अंधेरा आ रहा है, तो बहुत ही मूड ऑफ इसका। क्या हुआ, मेरे को एक वोडाफोन के शॉप में जाना था, उधर गया तो उधर ही लेट हो गया, फिर मैं रैपिडो किया उसमें भी वो गलत रास्ता में लेके चला गया, तो पूरा पूरा पोपट हो गया। ठीक से तो नहीं कर पाया, तो फिलहाल बहुत टायर्ड है, थोड़ा घाट में आके बैठे हुए, इतना शांत और कामिंग में वेदर है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फाइनली मेरा असली डेस्टिनेशन में मैं पहुंच गई, मेरा प्यारा घर पे। द डे वॉज टू मच हेक्टिक बट आई लव इट, बहुत इंजॉय किया, और बहुत दिनों के बाद मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा टाइम स्पेंड किया। हम लोग जब बड़े हो जाते हैं ना, तब बेस्ट फ्रेंड्स में भी थोड़ा
डिस्टेंस हो जाता है, कॉलेज अलग हो जाते हैं तो दोस्त अलग होते हैं, टाइम भी नहीं दे पाते एक दूसरे को। बट बहुत दिनों के बाद आज बहुत सारा 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 बहुत सारा टाइम स्पेंड किया हम दोनों ने, बहुत अच्छा लगा, टुडे वाज गुड। तो फाइनली मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जो मैं फ्लावर मार्केट से फ्लावर लाया था ना, कितना प्यारा लग रहा है ये देखो, मैंने सजा दिया है फ्लावर्स, कितना प्यारा। मैं ये फ्लावर्स, इतने सारे फ्लावर्स ओनली लाइक उधर ये सनफ्लावर का बंच में 20 पीस है, जो मैंने 15 रुपीज़ में ख़रीदा था, और इधर ऑलमोस्ट 100 रोज़ है। तो रोज़ मैं करीब 25 और 20 में ख़रीदा एक बंच। मैं दो बंच शायद, दो बंच मैं 50 रुपीज़ 25 पर बंच में दिया, तो बहुत ज़्यादा चीप है। इतने सारे फ्लावर जस्ट 20 रुपीज़ में, इट्स टू गुड। तो इट वॉज अ गुड डे एंड अ टायरिंग डे, क्योंकि मुझे सन से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लाइक सनलाइट मेरे को बिल्कुल नहीं सूट होता है, बट फिर भी आई एंजॉय इट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।